72वें गणतंत्र दिवस का महापर्व जहां पूरे देश में हर्षों उल्लास के साथ मनाया गया, वहीं शिमला जिला की कोट पंचायत में भी नवनियुक्त उपप्रधान सोम मेहता की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसमें स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर कोट पंचायत में युवाओं ने सफाई अभियान भी चलाया। इस दौरान करीब आधा किलोमीटर के दायरे में सफाई की गई। नाहन स्पेशल रिपब्लिक डे। ऐतिहासिक शहर नाहन के हरिपुर मोहल्ला में देशभक्ति के एक अलग जज्बे के साथ बच्चों ने 72वां गणतंत्र दिवस मनाया। यहां मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण के बाद मार्च पास्ट की सलामी ली गई। निर्धारित समय अनुसार ये कार्यक्रम ठीक सुबह 10 बजे आयोजित किया गया था। इस दौरान नन्हे बच्चों में खूब जोश देखा गया। बच्चों में देशभक्ति की ऐसी भावना देखकर हर कोई हैरान रह गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐतिहासिक शहर नाहन के हरिपुर मोहल्ला में बच्चों की अलग ही तस्वीरें देखने को मिली। नन्हे बच्चों ने यहां 72वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में बच्चों की देशभक्ति का जज्बा देखकर हर कोई हैरान दिखा। स्थानीय निवासी सुखदेव शर्मा ने कहा कि बच्चों का जज्बा हमेशा ही अद्भुत होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से बच्चे बुरी संगत से भी बच रहे हैं, जो उनके भविष्य के लिए लाभदायक हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि निश्चित तौर पर ये देश का आने वाला उज्जवल भविष्य बनेंगे। आज गणतंत्र दिवस है, इस मौके पर और 15 अगस्त के मौके पर ये बच्चे 5 साल से इसी तरह फंक्शन मना रहे हैं, मार्च पास्ट करते हैं, झंडा फहराते हैं और बड़ी श्रद्धा पूर्वक ये इस त्यौहार को मनाते हैं। ये बहुत बड़ा त्यौहार है और इस कारण इन बच्चों में देशभक्ति की भावना है। देशभक्ति के प्रति ये बहुत ही जागरूक है। इतने बड़े आदमी भी नहीं है जितने ये है। इस भावना से प्रेरित होकर ये और सैफ से सबसे बच रहे हैं और यहाँ आकर ये इस परेड को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बच्चों ने यहाँ पर नियमानुसार कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण के बाद मार्च पास्ट की सलामी ली गई। इस दौरान नन्हे बच्चों में खूब जोश देखा गया। निर्धारित समय अनुसार ये कार्यक्रम ठीक सुबह 10 बजे आयोजित किया गया। दरअसल हरिपुर मोहल्ला के नन्हे बच्चों ने यहाँ नाहन यूथ यूनियन का गठन किया है, जो हर राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। खासकर सभा द्वारा पूर्ण राज्यत्व दिवस, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मेरा नाम आदित्य दत्त शर्मा है। हम ये सारे नेशनल फेस्टिवल्स पिछले 4 सालों से बना रहे हैं और हम इसमें परेड और फ्लैग होस्टिंग और नेशनल एंथम करते हैं। इस कार्यक्रम में शामिल सभी बच्चों की उम्र 6 से 16 साल है। सच में कम उम्र के बच्चों की ये पहल काबिले तारीफ है, जिससे दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा लेने की जरूरत है। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।